पेठे को मैंने छील लिया, अब छीलने के बाद मैंने इसके ना छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो पानी है ना, इसको अपने हाथों पे अक्सर लग जाता है, गीले जब कटिंग करते हैं हम लग जाता है, तो कोशिश करनी है कि इसका पानी जो है ना बालों पे ना लगे। जहाँ जहाँ ये लगेगा बालों पे, वहाँ से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। एक तो इसका पानी, और दूसरा जब इसको हम लाते हैं ना, इसको पाउडर सा होता है, तो पाउडर भी जो है ना वो भी अगर लग जाए तो। ज़रा बड़े बड़े पीस काटेंगे तो उसका फ़ायदा होता है। इसके अंदर एक चम्मच डालेंगे नमक, इसे अच्छे से कर लो मिक्स। मिक्स करने के बाद जो है ना, ये जो आपने इसको काटा था, इस पूरे को इसके अंदर डाल के खुले बर्तन में अच्छे से इसको आपने वॉश कर लेना। अभी देखो इसको मैंने दोबारा पकाया है, इसमें तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी और इसको मैं रख दूँगी फिर से 2-3 घंटे के लिए। जब इसके अंदर से 2-3 घंटे रखेंगे ना, तो इसके अंदर जो पानी है ना वो सारा का सारा जो है ना बाहर निकल आएगा, फिर से शुगर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है ना इसको बर्तन में निकाल के सर्व कर सकते हैं।